टॉप हेडलाइंस फॉर द डे। अब तक तो आप सभी सलमान खान की अपकमिंग वेंचर भारत से वाकिफ हो ही गए होंगे। भारत जहां इंडियन इंडिपेंडेंस के समय से प्रेजेंट डे तक सलमान के किरदार भारत के सफर को दर्शाएगी, अब उसी फिल्म के लिए सलमान वेटरन एक्टर धर्मेंद्र से एडवाइस लेंगे। वह भारत के एक हिस्से में सर्कस और उससे जुड़ी लोगों की कहानी दिखाई जाएगी, जो राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर से इंस्पायर्ड है। अगर आपको पता ना हो तो बता दे, फिल्म मेरा नाम जोकर में बॉलीवुड के ही मैन धर्म साहब ने एक अहम किरदार निभाया था और इसी कारण अब सलमान, जो देओल्स के काफी करीब हैं, धर्म जी से इस पर अपनी एडवाइस लेंगे। वेल, एक हालिया इंटरव्यू के दौरान जब इस बारे में धर्म जी से पूछा गया तो उन्होंने बताया, राज कपूर के साथ काम करना मेरा सपना था और इसीलिए मेरा नाम जोकर मेरे दिल के बेहद करीब है। अब जब सलमान वैसा ही कुछ करने जा रहा है, मुझसे जितना होगा मैं उनकी मदद करने की कोशिश करूंगा। रेस यानी रफ्तार, और इसी मतलब को पूरा करते हुए रेस 3 की टीम ने इसके क्लाइमैक्स की शूटिंग महज 5 दिनों के अंदर पूरी की, जिसे करने में शायद कोई और 10 दिन ले लेता, उसे सलमान ने महज 5 दिनों के अंदर पूरा कर दिखाया। जी हाँ, इसे हाई स्पीड में पूरा करने के लिए सभी एक्टर्स ने 5 दिनों तक 3 शिफ्ट काम कर इसे पूरा किया। बताते चले, रेस सीरीज के बाकी इंस्टॉलमेंट्स की ही तरह इसके तीसरे इंस्टॉलमेंट के क्लाइमैक्स में भी कार चेस, हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस और जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन इस बार दर्शकों को मिलेगा इन सभी का डबल डोज। साथ में ये भी बता दे, इस क्लाइमैक्स सीक्वेंस में सलमान और बॉबी के साथ साथ अनिल कपूर, जैकलिन फर्नांडिस, डेजी शाह और साकिब सालीम भी दिखाई देंगे। वैसे इसकी एक झलक हम ट्रेलर में भी देख ही चुके हैं, जहां सलमान और बॉबी बड़े ही टशन के साथ चलते नजर आए थे। दोस्तों, इस बारे में आपके क्या राय हैं हमें बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। रेस 3 धीरे धीरे अपने रिलीज डेट की ओर कदम बढ़ा रही है। जहां इस एक्शन थ्रिलर के अनाउंसमेंट के बाद से ही खबरों का बाजार गर्म था कि सलमान इस फिल्म में एक विलन का किरदार निभा रहे हैं, वहीं अब एक हालिया इंटरव्यू के दौरान सलमान ने बताया वो इस फिल्म के विलेन नहीं हैं। दरअसल हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जब सलमान से पूछा गया क्या वो रेस 3 में विलेन का किरदार निभा रहे हैं, तो इसके जवाब में सलमान ने कहा, अफवाहों पर यकीन मत कीजिए, रेस 3 की कहानी बहुत अलग है और दिलचस्प भी। इसमें एक्शन है, थ्रिल है और इमोशंस भी। सबका किरदार अहम है और अलग भी। मैं अपने किरदार के बारे में नहीं बता सकता। वेल, इसके बाद सिकंदर को बड़े पर्दे पर देखने की बेसब्री तो और भी बढ़ चुकी है, क्यों है ना दोस्तों? इस बारे में आपकी क्या राय है हमें बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। रेस 3 इन दिनों अपने ट्रेलर और बैक टू बैक सॉन्ग रिलीजेस के चलते सुर्खियों में बनी हुई है। जहां हाल ही में इस एक्शन थ्रिलर से रिलीज किए गए सॉन्ग सेल्फिश में सलमान, जैकलिन और बॉबी जैकलिन के केमिस्ट्री को खूब पसंद किया गया, वहीं कुछ लोग इस गाने में सलमान के अच्छी दोस्त उलिया वांटर की आवाज को लेकर खूब ट्रॉल कर रहे हैं। बता दे, इस दिन ट्विटर पर कई लोगों ने सलमान से ये सवाल किया, आखिर उन्होंने किसी नामी फीमेल सिंगर को ना लेकर उलिया को क्यों ले लिया। साथ में ये भी बता दे, इस गाने के बारे में बात करते हुए उलिया ने बताया ये गाना सुनते ही उन्हें इससे प्यार हो गया था। दरअसल जब ये गाना बना भी नहीं था तब इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर विशाल मिश्रा इसके धुन पर गिटार बजा रहे थे और स्टूडियो में मौजूद सभी गुनगुना रहे थे। जब उलिया ने भी इसको गुनगुनाना शुरू किया, विशाल मिश्रा ने उन्हें रिकॉर्डिंग पर आने के लिए कहा और ऐसे ही उलिया इस गाने के साथ जुड़ गई। 2014 में आई फिल्म किक में सलमान खान और जैकलिन फर्नांडिस की जोड़ी को खूब सराहा गया था और अब जब ये दोनों रेस के तीसरे भाग में अपनी सिजलिंग केमिस्ट्री से पर्दे पर आग लगाने की तैयारी में है, तब सलमान ने बताया रेस 3 के बाद एक और फिल्म में भी ये दोनों जल्द ही नजर आने वाले हैं। वेल, एक हालिया इंटरव्यू के दौरान जब सलमान खान से उनके रेस 3 को स्टार जैकलिन के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था, जैकलिन मेरी अच्छी दोस्त है, वो काफी फ्रेंडली और अच्छे स्वभाव की है, मैं हमेशा उनके साथ काम करते समय कंफर्टेबल फील करता हूँ। हम दोनों एक और फिल्म में एक साथ काम करने जा रहे हैं, पर इस बारे में मैं अभी ज्यादा कुछ डिस्क्लोज नहीं कर सकता।
वैसे जहां एक तरफ रेस 3 के लिए तैयार है, वहीं ये जानने की उत्सुकता भी है कि आखिर सलमान और जैकलिन की जोड़ी किस न्यू वेंचर में एक बार फिर साथ आएगी। क्यों है ना दोस्तों, इस बारे में आपके क्या राय है हमें बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। रेस 3 के गाने जहां इन दिनों पार्टी से लेकर रोमांटिक डेट्स तक हर सेलिब्रेशन की शान बनाते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं अब रेस 3 से इस साल के पार्टी एंथम पार्टी चले ऑन एंड ऑन को जल्द ही रिलीज किया जाएगा। बता दें इस गाने को मिका सिंह और उलिया वांटर ने गाया है, जबकि मिका सिंह और सलमान की जोड़ी इससे पहले भी कई ऑन स्क्रीन नंबर्स दे चुकी है। वहीं हाल ही में रेस 3 से रिलीज किया गया गाना में हम उलिया वांटर से मौसीकी भी रूबरू हो चुके हैं। ऐसे में इस पार्टी सॉन्ग का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। बात करते हैं इस फिल्म की। रेमो डिसूजा के निर्देशन में बनी रेस 3 इस साल ईद पर रिलीज होने जा रही है। वैसे तो ये बताने की जरूरत नहीं रहती कि दर्शक इस मल्टी स्टारर एक्शन थ्रिलर के लिए कितने एक्साइटेड हैं, और ये एक्साइटमेंट हो भी क्यों ना, आफ्टर ऑल सलमान खान की फिल्म ऊपर से रेस जैसा सुपरहिट फ्रेंचाइजी, एक्साइटमेंट का पारा हाई होना तो बनता है बॉस, क्यों है ना दोस्तों। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें बताइए नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। इससे पहले कि चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद चौके छक्के लगाकर मैदान में धमाका कर पाते, ये जिम्मेदारी सिकंदर की जेसिका ने ही ले ली। वेल, रेस 3 को प्रमोट करने आईपीएल फिनाले पर पार्टी तो बनती है, पर पहुंचे रेस 3 की पूरी टीम ने अपने धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ इस दिन सभी को थिरकने पर मजबूर तो कर ही दिया, लेकिन जैकलिन ने तो जैसे सबकी नींदें ही चुरा ली। बताते चले रेस 3 से फुट टैपिंग नंबर हीरिये पर एक धमाकेदार परफॉर्मेंस देने के साथ साथ कई और गानों पर भी शाम जैकलिन ने परफॉर्म कर तो जैसे स्टेज पर आग ही लगा दी हो। साथ में ये भी बता दे ब्लश पिंक फेदर स्कर्ट और एक डार्जलिंग टॉप के साथ जाके किसी चलती फिरती डॉल से कम नहीं लग रही थी। वैसे आपका जैकलिन के इस तड़कते भड़कते परफॉर्मेंस पर क्या राय है हमें अपने विचार बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। आईपीएल फिनाले पर देखी अल्लाह दुहाई की झलक, जहां 27 मई की शाम वानखेड़े ने एक और तूफानी मैच को अपने इतिहास के पन्नों में जोड़ा, वहीं रेस 3 की टीम ने इस तूफान में और भी रफ्तार भर दी। बताते चले इस साल ईद पर रिलीज होने वाली फिल्म रेस 3 का इन दिनों जोरों शोरों से प्रमोशंस चल रहे हैं, और इस एक्शन थ्रिलर को प्रमोट करने इस दिन सलमान खान, अनिल कपूर, जैकलिन फर्नांडिस और डेजी शाह आईपीएल के क्लोजिंग सेरेमनी पर पहुंचे थे। वेल, जहां सलमान और अनिल ने इस दिन क्रिकेट कमेंट्री करते नजर आए, वहीं जैकी और डेजी ने दी धुआंधार परफॉर्मेंसेस। बता दे जहां जैकलिन हीरे और पार्टी ऑन माई माइंड पर परफॉर्म करती नजर आई, वहीं डेजी ने रेस सीरीज से मच लव सॉन्ग अल्लाह दुहाई को चुना। जी हाँ, इस दिन डेजी ने इस मच लव सॉन्ग पर परफॉर्मेंस देने के साथ साथ दर्शकों की उत्सुकता को और भी बढ़ा दिया, क्यों है ना दोस्तों। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। सलमान खान न केवल बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, बल्कि ये बड़े दिल वाला खान कई बॉलीवुड एक्टर्स के गॉडफादर भी रह चुके हैं।
और अब रिसेंट मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सलमान अपने ओल्ड फ्रेंड कटरीना कैफ और न्यू फ्रेंड जैकलिन फर्नांडिस के करियर को संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वेल, इन दिनों बॉलीवुड के गलियारों में खबरों का बाजार गर्म है कि सलमान ने टाइगर जिंदा है के लिए ना केवल कटरीना का नाम सजेस्ट किया था, बल्कि उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा कि कटरीना को ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन टाइम मिले। बताते चले, सिर्फ कटरीना ही नहीं बल्कि जब सलमान ने रेस 3 साइन की, उन्होंने रेमो डिसूजा से कहकर अपने डांस फिल्म से जैकी को रेस के तीसरे इंस्टॉलमेंट में रिलोकेट करवाया। सिर्फ यही नहीं, सलमान ने जैकलिन के किरदार को एक मच सब्सटेंशियल अप्रोच देने के लिए भी कहा है। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है हमें बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। सलमान खान के टेलीविजन प्रोडक्शन हाउस की खबरें आजकल मीडिया में हर ओर छाई हुई हैं। और दोस्तों, अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स की मानी जाए तो बानिजय ग्रुप ने भाईजान के टेलीविजन प्रोडक्शन हाउस के साथ कोलैबोरेट कर लिया है। जी हाँ, बानिजय प्रोडक्शन हाउस अब सलमान खान के बैनर सलमान खान टीवी के साथ टेलीविजन और वेब कंटेंट क्रिएट करेंगे। दोस्तों, अगर आपको पता ना हो तो बता दे, बानिजय प्रोडक्शन हाउस दुनिया की लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर ग्रुप है, जिसके शोज जैसे कि सर्वाइवर और कीपिंग अप विद द कार्डशियंस अति चर्चित भी हैं। वेल, इस एसोसिएशन के बारे में बात करते हुए सलमान ने कहा कि इंडिया में टैलेंट की भरमार है, लेकिन खुद को प्रूव करने के लिए उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। एसके टीवी से हम ऐसे ही टैलेंटेड लोगों को अपॉर्चुनिटीज देना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस बारे में आपके क्या राय हैं हमें बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ।